बुलंदशहर से रीशु कुमार, ब्यूरो चीफ की खास रिपोर्ट। भारतीय किसान यूनियन टिकट का धरना प्रदर्शन 27 दिन के बाद अधिकारियों के आश्वासन पर हुआ समाप्त। बुलंदशहर के शिकारपुर कोतवाली में भारतीय किसान यूनियन टिकट के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन विद्युत विभाग के जेई संगम चौरसिया एवं पुष्पेंद्र सिंह TG2 समनपुर बिजली घर द्वारा कुलदीप शर्मा, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष शिकारपुर की माता के साथ अभद्र व्यवहार करने, गाली गलौज करने एवं धक्का मारने के विरोध में शिकारपुर कोतवाली पर मुकदमा दर्ज न करने पर 27 घंटे चला कोतवाली परिसर में धरना प्रदर्शन। धरना प्रदर्शन की जानकारी विद्युत विभाग के SDO पहुंचे और भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं की बात सुनी। सुनकर उच्च अधिकारियों तक किसान यूनियन की बात पहुंचाई। भारतीय किसान यूनियन टिकट के कार्यकर्ताओं से समनपुर जेई संगम चौरसिया व TG2 पुष्पेंद्र सिंह ने माफी मांगी और भारतीय किसान यूनियन टिकट के कार्यकर्ताओं ने 27 घंटे बाद अधिकारियों के आश्वासन पर धरना प्रदर्शन समाप्त हुआ। धरना प्रदर्शन समाप्त होने के बाद अधिकारियों ने ली राहत की सांस। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार विद्युत विभाग के जेई संगम चौरसिया अपने आप में दबंग कहे जाते हैं। संगम चौरसिया के सामने विद्युत विभाग के अधिकारी भी के सामने कुछ नहीं बोलते। बहुत बढ़िया सफल रहा। जितने भी ये हमारे बिजली के अधिकारी है, SDO दोनों जेई सबन ने अपनी गलती मानते हुए उस मुकदमा को वापस करवाते हुए एक आश्वासन दे दिया कि हम 20 तारीख तक इसे खत्म करा देंगे, कोई भी चोरी का मुकदमा नहीं रहेगा। और हमारे जो किसान हैं वो भी इस बात पर राजी हो गया, तो हमने अपना धरना समाप्त किया और आगे के लिए कोई भी जेई इस कार्रवाई को नहीं करेगा, किसी के घर ऐसे छापे नहीं गिरेगा गिरेगा वो कह के छापे गिरेगा। जिसके घर कट होगा वो पहले उसे जगाएगा और जब बाद में घर में बढ़ाएगा।